नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं जो कि फेपाड़ा रोड पे हमारे भाई साहब है चैनल राम जी, इनके घर के अंदर एक सांप देखा गया, कोबरा सांप है जो कि इस कमरे के अंदर है। तो अभी देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारी वीडियो में जुड़े रहे ताकि इसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी दे सके। तो देखिए दोस्तों कौन सा सांप है, तो पूरा इसका हम आपको वायर आ रहे हैं। दिखाई दे गया तो ये इंडिया सेफ्टी का कोबरा सांप है। तो इसे मैं बाहर निकालने का प्रयास करूं, तो इसकी फुकार देखिए कितनी खतरनाक है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है, तो काफ़ी फुर्तीला सांप है। अगर ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट कर दे तो इंसान की मौत निश्चित है। दोस्तों ये काफी फुर्तीला है और ये मेरे को बाइट करने का प्रयास कर रहा है। देखिए दोस्तों इसने कुछ साइज चूहा वगैरह खा रखा है, तो ये अभी बाहर निकालने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब भी ऐसे सांपों को हम पकड़ते हैं और इसने कुछ खाया हुआ हो तो ये बाहर निकाल देता है। तो
छोड़ना नहीं यार, बहुत करेंगे। ओके छोड़ता है वो। सड़क पे पकड़ लेंगे यार ये अनारसी है बड़ी दरके वो तू और लिख जाओगे मतलब दीदी बड़ी है तो देखिए दोस्तों ये शायद चूहा नहीं निकल रहा, इसी वजह से मैं यही रेस्क्यू कर लेता हूँ ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। नहीं नहीं कुछ ये देखो जेर छोड़ दी मारा नहीं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा विष से भरा हुआ है और इसके जो दांत है वो तीन नुकीले हैं, तो थोड़ा सा इनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना सारा इसने विष छोड़ दिया है, तो बहुत ही एक्टिव सांप था और खतरनाक भी। तो देखिए दोस्तों काफ़ी मात्रा में इसने विष छोड़ा है, तो जो भी एक ओवरा सांप है इंसान को बाइट करता है तो लगभग आधा इंच के गैप में निशान बनेंगे जिसी से कोबरा की पहचान होती है भी कोबरा बाइट है। इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है, अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक सांप की जान बचाई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा यूट्यूब चैनल है स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हमारी वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।